तो गाइज अब मैं तुम लोग को एक ऐसा क्लच करके दिखाऊंगा जिसे आज तक ड्रीम ने भी नहीं किया और इसमें मुझे किसी भी चीज की हेल्प नहीं लगेगी, तो अभी करके दिखाता हूँ। हेलो, आज ना तुम लोग मेरा नाम वर्ल्ड के मोस्ट प्रोएस्ट ऑफ द प्रो माइनक्राफ्ट वाले बुक में डाल दोगे, क्योंकि आज मैं आज मैं माइनक्राफ्ट का एवरी एमएलजी क्लच करके दिखाऊंगा बिना मरे हुए। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। तो अगर मेरा पेरोनस देखना है तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब मार दो। मारते नहीं हो, मैं देखता हूँ। हाँ, तुम्हारी मम्मी से मैं कंप्लेन कर दूंगा। तो बताओ सबसे पहले कौन सा ट्रिक किया जाए? वाटर क्लच, वो तो बहुत आसान है मेरे लिए, वो तो कोई भी बच्चा कर लेगा, लेकिन हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सारा क्लच करके दिखाऊंगा। ओ भाई, यहाँ पे ये क्या है? पानी के अंदर रुइन टेम्पल तो मैंने पहली बार देखा है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। क्या ये पोर्टल पूरा है? ना ना ना, ये पूरा नहीं है। तो इसका खजाना कहाँ गया, मुझे दिख नहीं रहा है। छोड़ो, हम लोग अपना काम करते हैं। वैसे भी मैंने लालची बनना छोड़ दिया है। वो कहते हैं ना, जो करे लालच वो बन जाए। तो छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चुपचाप हम लोग पहले अपना काम करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक लंबा सा टावर बनाना पड़ेगा मुझे। चलो बॉब द बिल्डर बन ही लिया जाए। और ये मत कहना प्लीज कि भाई तू क्लियर दिन मौत में गया है। तो क्या इतना हाइट काफी रहेगा? ना ना ना, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। मुझे एकदम खतरों का खिलाड़ी लगना चाहिए, तो इतना हाइट काफी रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले वाटर क्लच करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है। तो लेट्स गो गाइस। अरे अरे यार, मैं क्रिएटिव मोड में हूँ, सर्वाइवल में करना है ये, क्रिएटिव में नहीं करना है। तो चलो अब मैं तुम लोग को अपना पेरोनस दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये करना कितना ज्यादा आसान है। बहुत ही ज्यादा आसान है, देखा? इजी, ये करना मेरे लिए मेरे नाखून का खेल है। भाई पिगी, देखा मेरा एक्शन? ओ भाई इधर देख, भाई भाई देखा ना, कुछ तो बोल। तो चलो अब मैं तुम लोग को इसका हार्ड वाला वर्जन करके दिखाता हूँ, जिसमें मैं पहले बकेट को फेंकूंगा और फिर उसे हवे में कैच करके एमएलजी क्लच करके दिखाऊंगा। ये सब सिर्फ मेरे जैसे महान व्यक्ति ही नहीं कर सकते, बहुत कोई कर सकता है, लेकिन पहले मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया है। आज पहली बार मैं ये करने का ट्राई कर रहा हूँ। देखते हैं बाबू भैया ये कैसे होता है। अरे कैच कर लिया, कैच कर लिया, और मैं जिंदा बच गया। और यहाँ पे कुछ ग्लिच हो गया, मतलब ये पानी यहाँ से गायब ही नहीं हुआ। लेकिन मुझे तो लगा था कि मैं बकेट को कैच नहीं कर पाऊंगा। अबे ये कहाँ से आ गया? भाई देखो, मैं अपना पेरोनस दिखा रहा हूँ, प्लीज। अपने आप मर गया। देखो देखो, एक और नमूना आ गया। भाई प्लीज यार, पेरोनस दिखा रहे तो ना। अरे यार मैं मर जाऊंगा। A few inches later. हाँ बेटे, अब मार के दिखाना, क्या हुआ? अब नहीं मार सकता? हाँ मार, मार मुझे, मार, मुझसे पंगा लेने आए हैं। हाँ? तो अब चलो, अब देखा जाए कि अब अगला हम लोग कौन सा क्लच कर सकते हैं। बहुत सारे सजेशंस दिए थे तुम लोगों ने, तो सबसे पहले कमेंट में लिखा हुआ है नूब, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और एक कमेंट में लिखा हुआ है मर जा इज इक्वल टू बिग एमएलजी। ओके, ये तो करना बहुत आसान है। तो ये लो दूसरा एमएलजी क्लच करके भी मैं दिखा रहा हूँ। तो अब मुझे करना है लैडर क्लच और वाइन क्लच करना है मुझे। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये सब थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि मैंने ये सब पहले कभी ट्राई नहीं किया है। लेकिन नहीं, आज मैं तुम लोग को सारा क्लच करके दिखाऊंगा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो लेट्स गो, पहली बार मैं ये लैडर क्लच ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या मैं मरूंगा, क्या मैं मरूंगा, क्या मैं मरूंगा। तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा। देखो गाइज, ये पहली बार मैंने ट्राई किया था, प्लीज अब कमेंट सेक्शन में टाइप करने मत लगना NOOB। ओके, दूसरी बार ट्राई करता हूँ, प्लीज इस बार हो जाना, भाई की इज्जत रख लेना। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। What the hell? मैंने लैडर रख दिया था फिर भी मर गया, ये हमका साथ चीटिंग हो गया। गाइज ये देखना, मैंने लैडर लगा दिया था, अरे कहाँ गया, हाँ दिख गया, ये रहा। ये देखो, मैंने लैडर लगा दिया था फिर भी मर गया, पता नहीं कैसे। भाई ये गेम वाले चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गेम को भी पता है मैं बहुत ज्यादा पेड़ हुई, इसलिए मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। लेकिन ना मुन्ना, इस बार तो मैं करके दिखाऊंगा। ये देखो, जिंदा बच गया ना, क्लच हो गया। देखो, जिंदा बचने से मतलब था जिंदा बच गया। हाँ हाँ हाँ, मार दे मार दे। तो अब यही सेम चीज करके दिखाना है हम लोग को वाइंस के साथ। चलो फिर से करके दिखाता हूँ, और इस बार फिर से मेरा मकसद है जिंदा बच जाना। डैमेज हो जाए चलेगा, बस किसी तरह मुझे जिंदा बच जाना है, और मैं जिंदा बच गया। भाई देखा, तुम्हारा भाई कितना टैलेंटेड है, एक बार में मैंने ये क्लच कर लिया। तो अब कौन सा क्लच करके दिखाऊं? पॉप वेब वाला करके दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद फाइनली बोट वाला करूंगा, और बोट वाला करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो अब मुझे करना है ये सेम चीज कॉप वेब के साथ। ये तो इजी होने वाला है, बहुत ज्यादा इजी, खासकर मेरे लिए। क्या मैं ये एक बार में कर पाऊंगा, देखता हूँ। कर लेना भाई।
आई एम पेडो। भाई फिर से मैंने ये एक बार में कर लिया यार, तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। मेरे अंदर टैलेंट भरा हुआ है एकदम, कूट कूट के, ठूस ठूस के। ओके अब ज्यादा बकवास कर रहा हूँ मैं, तो अब करते हैं फाइनली बोट वाला क्लच। वो क्लच करना बहुत ज्यादा हार्ड है, शायद पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो उसमें हम लोगों को शायद बस नीचे जाके बोट रख देना रहता। अगर यही करना रहता तो फिर तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, तो ट्राई किया जाए। रुक जा, पानी पी लेता हूँ मैं पहले थोड़ा। देखो ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो मर गया तो जज मत करना, मुझे तो पता भी नहीं ये कैसे करते हैं। बस शायद नीचे जंप करके बोट रख देना रहता है, ये करना आसान नहीं है। एक बार फिर से ट्राई किया जाए। बोट रख दिया था मैंने। भाई ये तुम्हारे भाई के साथ धोखा हो गया, देखो मैंने बोट रख दिया था। भाई तो और क्या करना है, बोट तो मैंने रख दिया था, वो देखो वहाँ नीचे बोट दिख भी रहा है। एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ, इस बार मैं इसमें जाके बैठ जाऊंगा, और ये देखो बैठ गया मैं। ओके तो शायद मुझे लगता है मुझे बोट रखते हुए बैठ भी जाना है साथ ही में, डबल क्लिक करना पड़ेगा एक बार में, तब जाके ये क्लच होगा। ओ भाई तब तो ये ट्रिक थोड़ा ज्यादा हार्ड है, एक बार में बोट भी रखना है और उसमें बैठना भी है, तो ये करना सही में हार्ड है। बोट भी रखना है साथ में बैठ जाना है, देखते हैं ये मेरे लिए करना कितना ज्यादा हार्ड होगा। बहुत आसान था, तुम्हारे इपिक भाई के लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। आई एम द प्रेवेस्ट ऑफ द पेड़ो, मेरा नाम प्रेवेस्ट ऑफ द पेड़ो वाले बुक में लिख देना तुम लोग। भाई ये मजेदार था, एक बार फिर से ट्राई करना है मुझे, क्या मैं ये क्लच फिर से दोबारा कर पाऊंगा, देखता हूँ, लेट्स सी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, और यहाँ हमें दुनिया नूब बुलाती है। तो गाइज अब सबसे खतरनाक क्लच करने का टाइम आ चुका है। अब मैं बीच में एक चेस्ट रखूंगा, उसमें वाटर बकेट रखूंगा और उसे हवा में लेके नीचे आऊंगा। भाई साहब इसमें मजा आने वाला है, मुझे पता भी नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ट्राई तो करना बनता है। तो सब कुछ हो गया, अब वाटर बकेट चाहिए, ये भी हो गया, और फिर यहाँ पे मुझे टावर बना के वहां पे चेस्ट रख के उसमें वाटर रखना पड़ेगा। तो आई थिंक सो इतना हाइट नहीं, थोड़ा और ऊपर रखता हूँ, हाँ इतना हाइट पे मैं रखता हूँ। और ये कहाँ से आ गया भाई, तो यहाँ पे मैं रखूंगा एक चेस्ट और इसमें रखूंगा ये वाटर बकेट, और फिर ये क्लच करके दिखाता हूं। अगर मैं ये क्लच नहीं कर पाया तो मैं चिकन खाना छोड़ दिया मैंने। इस बार अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं अगले एक साल तक शादी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, एक साल तक शादी नहीं करूंगा। ओके अब फाइनली अगर मैं इस बार ये नहीं कर पाया ना, तो मैं अगले एक साल तक जापान घूमने नहीं जाऊंगा। ओके ठीक है, तुम लोग जीत गए, मैं नहीं जाऊंगा। तो अब मुझे सबसे पहले बेड वाला क्लच करना है, और फिर उसके बाद सबसे खतरनाक क्लच करना है। भाई साहब वो वाला क्लच करना शायद बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये बेड वाला ट्राई करते हैं। बस मुझे इसे रख देना है ना, अरे इसमें भी बोर्ड जैसा है, पहले रखना है फिर एक और क्लिक करके सोना है। और रुक जाओ, ये क्लच तो तभी होगा जब रात हो रहा होगा, ऐसे तो मैं बेड पे सो ही नहीं पाऊंगा। ये देखो ये सब आएगा, अभी मैं पागलों की तरह लगातार मरता रहता और मुझे पता भी नहीं रहता कि मैं क्यों मर रहा हूं। तो पहले तो मैं ये बिना बेड के ट्राई करता हूं। आहा, स्वीट ड्रीम्स, देखा। तो अब मुझे ये बेड के साथ करना पड़ेगा, भाई सही में करना पड़ेगा, ये सही में ज्यादा हार्ड है, इससे बहुत ज्यादा इजी मुझे बोट वाला क्लच लग रहा है, वो आसान था, रख दिया था मैंने बोट। तो अब बस मैं इसे तीन बार ट्राई करूंगा, अगर तीन बार में हो पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे स्किप कर दूंगा। तो गाइज अब वो फाइनली फाइनल वाला क्लच करने का टाइम आ चुका है, और उसके लिए हम लोगों को बोट चाहिए, और ये क्लच मैंने ड्रीम की वीडियो में देखी है, पता नहीं ये कितना ज्यादा हार्ड है, लेकिन ट्राई करता हूँ। तो इस वाले क्लच में हम लोग को बोट को यहाँ रखना है, और फिर बोट में बैठ के ऐसे कर देना है, और फिर ये करते रहना है। भाई ये तो बहुत ज्यादा आसान है, पता नहीं मुझे ये हार्ड क्यों लगा था, ये तो आसान है। तो गाइज अब मैं तुम लोग को एक फाइनल क्लच करके दिखाता हूँ, जो कि आज तक ड्रीम ने भी नहीं किया है। ये क्लच सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग ही कर सकते हैं, और ये क्लच मैं बिना किसी चीज के हेल्प के करूंगा, तो तुम लोग को अभी दिखाता हूँ। तो ये देखो इसमें बस हम लोग को यहाँ पे ऐसे जंप करना है, और जब हम लोग मरने वाले रहे तो क्रिएटिव मोड में चल जाना है।